जो बेगूसराय के बड़े बड़े नेता है इसको बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ के दरोगा, यहाँ का सिविल सर्जन, यहाँ का कई बड़े पदाधिकारी इस लड़ाई को खत्म करने में लगे हैं। कहाँ चले गए नीतीश कुमार जी की वो ईबीसी ओबीसी, कहाँ चला जाता है नीतीश कुमार जी का चूहा, ये डेंगू, ये नवल जसवाल की हत्या, जयनंदन कुशवाहा की गोली मार के हत्या, 5 मासूम बच्चों की जिंदगी, दुनिया में इससे बड़ी घटना कुछ नहीं। उसके बाद मौन, और जगह जाने की फुर्सत है नीतीश कुमार, इस मासूम बच्चों के लिए एक बार बोलने की का दिल और मन नहीं करता। ये प्रतिकार प्रतिशोध मार्च था उस हैमानियत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जो हमारे जीने की आजादी को छीनता है, जो हमारे बोलने की आजादी को छीनता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता है, जो 70 साल के बाद हमें जीने नहीं देना चाहता है, वंचितों को, कमजोरों को, गरीबों को, युवाओं को, छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को, जो मेरे राइट्स को छीनता है। आज भी वो हैवान रावण, कंस और यजीद के तरह इन नेताओं का शोभा बढ़ाता है, पैसा पहुंचाता, औरत पहुंचाता, वोट और सियासत की राजनीति इससे नेता करते हैं, इसके बाहर कोई नेता नहीं है। आज जो ये हैवानियत है ये बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण, और आज सभी नेताओं जो बेगूसराय के बड़े बड़े नेता है इसको बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ के दरोगा, यहाँ का सिविल सर्जन, यहाँ का कई बड़े पदाधिकारी इस लड़ाई को खत्म करने में लगे हैं। कहाँ चले गए नीतीश कुमार जी की वो ईबीसी ओबीसी, कहाँ चला जाता है नीतीश कुमार जी का चूहा, ये डेंगू, ये नवल जसवाल की हत्या, जयनंदन कुशवाहा की गोली मार के हत्या, 5 मासूम बच्चों की जिंदगी, दुनिया में इससे बड़ी घटना कुछ नहीं। उसके बाद मौन, और जगह जाने की फुर्सत है नीतीश कुमार, इस मासूम बच्चों के लिए एक बार बोलने की का दिल और मन नहीं करता। ये लड़ाई आर पार की, आजादी की, जीने की आजादी की, विचारों की आजादी की, एजुकेशन की आजादी की, आर्थिक आजादी की, खुद के राइट्स की, संविधान में जो मैं अधिकार मिला है वो मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए आज प्रतिकार सभा। इन हत्यारों को 1 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी दो, अन्यथा बेगूसराय बंद करेंगे, पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे, गवर्नर हाउस मार्च करेंगे, हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और इसी मासूम बच्चे की हैवानियत के खिलाफ इसी बेगूसराय के धरती से, जिसकी कल्पना पंडित शुक्ला ने किया था, राष्ट्रकवि दिनकर ने किया था, विद्यापति कवि ने किया था, आज वो नींव रखी गई है। जेपी ने सपना देखा था छात्रों की आजादी की, आज एक दूसरी आजादी का सपना बेगूसराय के धरती से बिहार के निर्माण के लिए देखा गया है। फिर कोई घटना नहीं घटे इसके लिए आज यहाँ से आवाज दी गई है, इस गूंगी भैरी कमजोर निपुंसक नेताओं को, सत्ता और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों के आए हैं नेता यहाँ इन छात्रों से मिलने के लिए। तो क्या लगता है ये चुनावी, सर आप पूछिए ना कि हुआ क्या, सत्ता पर क्या है? सिविल सर्जन के अत्याचार रुक गए, क्या न्याय मिल गया? यहाँ के एक भी विधायक नहीं गए मिलने, कहाँ है सत्ता पक्ष के? सिर्फ कुशवाहा क्यों आए, अनजात के लोग क्यों नहीं आए? और जब वो सत्ता में हैं तो फिर आप न्याय करिए ना, आने के पहले रिजल्ट दीजिए ना, हिस्ट्री चेंज कीजिए ना, बड़ों के बाप, गनियों के बाप। गिरिराज सिंह के द्वारा लगातार राम मंदिर मुद्दे को उठाया जा रहा है। सर ऐसे लोगों का नाम मत लीजिए, इनके जो अकाले संत बाबा है ना, ये आस्था का सवाल होता है, पूजा इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा राजनीति करने का अखाड़ा नहीं है।
समझे, ये बगवाया बगवाया, ये हमेशा वोट आता है तो नफरत की राजनीति। दलित ईबीसी ये लोग हिंदू नहीं है, ये लोग बाबा साहब अंबेडकर और खुद को मानने वाले लोग। पप्पू यादव से पूछेगा तो मैं कहूंगा मैं हिंदू नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू को नहीं मानता, मैं हिंदू जैसी संस्कृति और सभ्यता जो इंसानियत के उसको मानने को तैयार हूं। लेकिन हिंदुत्व, जिस हिंदुत्व के बदौलत ये इंसानियत को मारता है, नफरत पैदा करता है, वो हिंदुत्व पप्पू यादव नहीं हो सकते। ये लोग वोट और सियासत का अखाड़ा बना लिया है राम और रहीम को, और ये बाबा लोग, ये नेता और बाबा, ये दोनों रावण का लंग। ये लोग समाज के लिए, देश के 136 करोड़ के लिए इंसानियत के दुश्मन है। जब तक इस दोनों का लंका नहीं जलेगा, तब तक गरीब किसान युवा छात्रों की जिंदगी नहीं बदलेगी। कुशवाहा मंच पर एक साथ आप दो पार्टी के नेता थे, क्या लगता है 2000 लोकसभा के चुनाव में क्या इनके समर्थन आप करेंगे क्या? सर मुझे समझ नहीं आता, मैं लड़ने आया हूँ बच्चों के लिए, यहाँ राजनीति का कोई सवाल नहीं है, यहाँ कोई समर्थन न समर्थन का सवाल नहीं है। इस सवाल पर जो भी साथ आएंगे हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। कुशवाहा जी के द्वारा एक और सवाल उठाया गया था, जो नीतीश जी या जो भाजपा के लोग जब फायदे की बात हुई तो उन्होंने साथ रखा, नुकसान की बात हुई तो साथ रखा, जब फायदे मतलब सरकार जब बनी तो उसमें नहीं लिया गया। सर अब क्या कहना, ये बात तो आप उससे पूछिए, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन हर नेता नाफा और घाटा देख के ही काम करता है। ये नीतीश का काम नहीं है, ये लालू जी का काम नहीं है, ये सभी नेता सुरसुर मुरमुर बड़ों के बाप कनियों के बाप हमाम में सब नंगे हैं। हर आदमी वोट और सियासत और सत्ता के लिए, ये लोग कोई कुकर्म पाप कर सकता है ये मैं आपको बता दूं, हर नेता लाभ और फायदे से ही, अन्यथा ये जो 49 सालों से 2, 3, 4, 5 नाम एक उपलब्धि बिहार के गरीब और कमजोरों के लिए दिखा दो ना, हमेशा से लाभ फायदे घाटे के साथ इन्होंने इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके अपनी सत्ता चलाई, अपनी राजनीति चलाई, अपना रसूख चलाया। इन लोगों ने बिहार के 11 करोड़ 36 लाख लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आपने खुद इस मंच से कहा है कि जो भी इस मुद्दे पे बात करने आते कोई भी नेता, वो गठबंधन की सरकार बनाने आते, तो आप भी इस मुद्दे पे बात करने आते, तो क्या लगता है आप? सर मैं तो बिहार के हर मुद्दे पे ही जाता हूँ, मैं तो लखीसराय गया, मैं तो हर मर्डर में यहाँ आया हूँ, हर घटना में यहाँ आया हूँ। और नेता से पूछिए ना वो किस किस घटना में गए हैं। तेज प्रताप जी के तलाक की बात अभी जोरों पर है, वो सब कोई सवाल नहीं है। दोनों परिवार के गार्जियन ने दो बच्चों की जिंदगी नासूर बना दी। मुझे समझ में नहीं आता, प्रेम को भी राजनीति का खड़ा बना दिया जाए और रिश्ते को भी ताकत और दौलत से आंका जाए तो फिर क्या रिश्ता बचेगा? ये सबसे बड़ा गुनाह बच्ची के पिता और उसके परिवार ने किया, सब कुछ जानते हुए। इसलिए मैं बच्ची को, मासूम बच्ची को मैं ईश्वर से कहता हूँ कि उसको लड़ने की हिम्मत दे और नए जीवन की जीने की हिम्मत दे। सर एक और सवाल, आपने एक आप भी एक सांसद है और वहीं मटियानी के विधायक हैं बोगो सिंह, आपने उसको कहा वोटो में उसको नहीं जानता, क्या कहना आपको उसमें? नहीं नहीं, नामे नहीं जानते हैं तो हमको अभी पता नहीं है, हम नाम ही नहीं जानते हैं तो किस तरह के सांसद? ऐसे लोग, मैंने कहा ऐसे ताकतवर लोग, मैं नहीं जानता हूँ कौन है विधायक यहाँ, ऐसे ऐसे ताकतवर लोग, मैं विधायकन के बारे में नहीं जानता और मेरा विधायक पर कुछ नहीं कहना। मैंने कहा, मैंने पहले कहा पप्पू यादव, पप्पू झा, पप्पू सिंह, उसी तरह मैंने कहा ओटो बोटो जोटो पोटो नोटो लोटो, मैंने सबके बारे में कहा। ऐसे लोग ही नेताओं के भतार और दमाद बनते हैं तो क्या न्याय मिलेगा? जब माफिया अपराधी, ये बालू माफिया, जमीन माफिया, ये बलात्कारी ही नेता के मंच पर होंगे, उसकी तस्वीर होगी तो कुशवाहा छात्रावास को न्याय मिलेगा? जब वोट के लिए आप सब कुछ बेच दीजिएगा, विचार को, ईमान को, चरित्र को, चिंतन को, न्याय को, पेरियार को, अंबेडकर को, बुद्ध को, तो जब सब कुछ बेच दीजिएगा तो कॉमन और गरीब आदमी को न्याय कौन देगा? इसलिए मैंने कहा ये जो डरावना चेहरा है, नाम है, ये नाम जब तक नेताओं की दलाली करेगा और नेता इसकी दलाली करेंगे तब तक कुशवाहा छात्रावास को न्याय नहीं मिलेगा।